फ्रेंड्स वेलकम बैक टू माय चैनल। इफ यू आर न्यू व्यूअर प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल फॉर मोर वीडियोज। मुझे लगता है आप मेरी वीडियो पसंद करते हैं लेकिन मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते। अगर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करेंगे तो मुझे कहाँ से प्रोत्साहन मिलेगा और मैं नई नई वीडियो कैसे बनाऊंगी। तो प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल फॉर मोर वीडियोज। तो आज हम बात कर रहे हैं ऑर्डर 14 सिविल प्रोसीजर कोड की, सिविल प्रक्रिया संहिता की, जो कि बात करता है सेटलमेंट ऑफ इशू एंड डिटरमिनेशन ऑफ सूट ऑन इशू ऑफ लॉ एंड ऑन इशू एग्रीड अपॉन। इट मींस कि विवादकों के स्थिरीकरण। विवादक कौन क्या होते हैं? जब भी कोई केस कोर्ट में दाखिल किया जाता है उस केस को दाखिल करते बाद जो है कोर्ट उस पर डिसाइड करती है कि इस केस में कौन कौन से इशू हैं, कौन कौन से विवादक हैं और उसी पे कोर्ट क्या है जजमेंट देती है। पहले वे इशू डिसाइड करती है कि इस केस में, इस विवाद में क्या है, कौन कौन से इशू हैं, उसकी लिस्ट बनाती है कि कौन सी पार्टी को किस चीज से क्या आपत्ति है और उसके बाद वह उस पर डिसीजन देती है। जो भी जजमेंट आता है वो इशू पे वन बाय वन इशू को उसे डिटरमिन किया जाता है, उसको समझाया जाता है कि इस इशू पे क्या डिसीजन आया। तो फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं। तो विवादकों का स्थिरीकरण और विधि, विवादकों के आधार पर या उन विवादकों के आधार पर जिन पर रजामंदी हो गई है, बात का अवधारण। तो रूल वन कहता है इसका विवादकों की विरचना कैसे की जाएगी, फ्रेमिंग ऑफ इश्यू कैसे होगा। इश्यू अराइज व्हेन अ मटेरियल प्रपोजिशन ऑफ फैक्ट एंड लॉ इज अ फ्रेम बाय द वन पार्टी एंड डिनाइड बाय अदर पार्टी। यानी कि जब विवादक तब पैदा होते हैं, इश्यू तब पैदा होते हैं जबकि तथ्य और विधि के कोई तात्विक परिपादना एक पक्षकार द्वारा प्रतिज्ञात यानी कि एक एक्सेप्ट कर रहा है और दूसरा डिनाइड करता है, तो वो क्या होता है, एक इशू पैदा होता है। एक पक्षकार के द्वारा उसे स्वीकार किया जाता है और दूसरे पक्षकार के द्वारा उसे मना किया जाता है, डिनाइड किया जाता है, तो ऐसे क्या है, विवादक पैदा होते हैं, इशू पैदा होते हैं। तात्विक परिपादनाएं विधि और तथ्य की वे परिपादनाएं हैं जिन्हें बाद लाने का अपना अधिकार दर्शित करने के लिए वादी को अविलिखित करना होगा और अपनी प्रतीक्षा अर्जित करने के लिए प्रतिवादी को अविलिखित करना होगा। इट मीन मेटीरियल प्रपोजिशन आर दोज प्रपोजिशन ऑफ लॉ एंड फैक्ट विच ए प्लेंटिव मस्ट एलिग्ड इन ऑर्डर अ राइट शो अ राइट टू शू एंड डिफेंडेंट मस्ट एलिग्ड इन ऑर्डर टू कंस्टिट्यूट हिज डिफेंस। यानी कि अगर वादी की तरफ से क्या है, वह अपने वाद लाने के अधिकार को दर्शाता है वो इश्यू को दिखाकर, और जो डिफेंडेंट है प्रतिवादी है वह क्या करता है, वह अपनी प्रतिरक्षा के लिए उस के तथ्य को, उस परिपादना को दिखाता है, दर्शाता है कि ये मेरे इश्यू हैं। तो इस तरीके से दोनों अपने अपने इश्यू बताते हैं कि इस केस में मेरा ये इशू है और दूसरा कहता है मेरा ये इशू है। तो इस तरीके से इशू बनते हैं। सब रूल थ्री कहता है कि एक पक्षकार द्वारा प्रतिज्ञात, दूसरे पक्षकार द्वारा प्रत्याख्यात। एक पक्षकार के द्वारा क्या है, जो फैक्ट्स हैं, जो विधि के प्रश्न हैं उसको बताया जाता है, रखा जाता है और दूसरे द्वारा उसे मना कर दिया जाता है। तो हर एक तात्विक परिवादना एक सुविन विवादक का विषय होगी। तो इस तरीके से अलग अलग एक इशू क्या है, तैयार किए जाएंगे, लिस्ट तैयार की जाएगी। ये फॉर एग्जांपल मान लीजिए ए ने बी की प्रॉपर्टी पर क्या है कब्जा किया, तो जो ए का है कि बी ने क्या है, ए पहला इशू क्या आया कि ए ने क्या है बी की प्रॉपर्टी पर कब्जा किया है, ये एक इशू है। वह कितने टाइम से उस प्रॉपर्टी पे कब्जा किया हुआ है, ये एक इशू है। और जो बी है वो कहेगा कि नहीं मेरी जमीन मेरी है, तो ये भी एक इशू है। तो इस तरीके से इशू डिसाइड होते हैं। तो विवादक दो किस्म के होते हैं, इशू आर ऑफ टू काइंड्स, इशू ऑफ फैक्ट्स तथ्य विवादक और विधि के विवादक। तो दो तरह के क्या होते हैं, इशू होते हैं। सब रूल फाइव कहता है कि न्यायालय बात की प्रथम सुनवाई में बात पत्र को और यदि कोई लिखित कथन हो तो उसे पढ़ने के पश्चात और ऑर्डर 10 के रूल 2 के अधीन परीक्षा करने के पश्चात, एग्जामिनेशन करने के बाद, ऑर्डर 10 में एग्जामिनेशन ऑफ पार्टीज बताया है, उसके पश्चात या पक्षकारों या उनके प्लीजरों की सुनवाई करने के पश्चात
क्या है यह निश्चित करेगा, यह निर्णय लेगा कि तथ्य की और विधि की किन तात्विक परिपालनाओं के बारे में पक्षकारों में मतभेद है। इट मीन उसके बाद वो डिसाइड करेगा कि कौन कौन से जो हैं उन दोनों पार्टियों में इशू हैं, कौन सी चीज पे विवाद चल रहा है, और तब वह उन विवाद को की विरचना और अभिलेखन करने के लिए अग्रसर होगा, और जिनके बारे में यह प्रतीत होता है कि मामले का ठीक निश्चय उन पर निर्भर करता है। यानी कि इन इश्यू को डिसाइड करने से क्या है, वो केस क्या है जो है उसका निश्चय हो जाएगा, उसका निर्णय हो जाएगा। तो उस केस में कोर्ट क्या है, एग्जामिनेशन करने के बाद या उसके एडवोकेट्स को सुनने के बाद वह इशू डिसाइड करती है कोर्ट कि कौन कौन से इशू पे इन दोनों पार्टियों में मतभेद है। सरूल 6 कहता है कि इस नियम की कोई बात न्यायालय की से यह अपेक्षा नहीं करती कि वह उस दशा में विवादक विरचित या विलिखित करे जब प्रतिवादी बात की पहली सुनवाई में कोई प्रतीक्षा नहीं करता। यानी कि जब ये जो बात है कि कोर्ट तब तक इश्यू डिसाइड नहीं करेगी जब तक जो डिफेंडेंट है उसने अपना डिफेंस क्या है अपना नहीं रखा हो। नेक्स्ट आते हैं रूल 2। रूल 2 क्या कहता है, रूल 2 कहता है कि न्यायालय द्वारा सभी विवाद को पर निर्णय सुनाया जाना, कोर्ट टू प्रनाउंस जजमेंट ऑन ऑल इशू। मैंने आपको पहले ही बताया वीडियो के कि जो केस डिसाइड होता है वो इशू पे डिसाइड होता है, और कोर्ट को जो जजमेंट देना होता है वो प्रत्येक जो इशू उसने डिसाइड किया होता है। जैसे कि एक केस में 10 इशू हैं तो 10 इशू पे उसे जजमेंट देना होता है। तो इसमें रूल 2 में यही बात लिखी हुई है कि इस बात के होते हुए भी कि बात का निपटारा प्रारंभिक विवाद पर किया जा सकेगा, कि जो पहला वाला इशू है उसको डिसाइड करके ही कोर्ट केस का जजमेंट कर सकती है, लेकिन न्यायालय उपनियम 2 के उपबंधों के अधीन रहते हुए सभी विवाद को पर निर्णय सुनाएगा। तो कोर्ट क्या है, नथिंग अंडरस्टैंडिंग दैट अ केस मे बी डिस्पोज ऑफ ऑन ए प्रिलिमिनरी इशू द कोर्ट शैल सब्जेक्ट टू द प्रोविजंस ऑफ सब रूल 2 प्रनाउंस जजमेंट ऑन ऑल इशू। तो सब इशू पे क्या है कोर्ट क्या है जजमेंट सुनाएगा, चाहे पहले इशू से ही कोर्ट केस डिसाइड होता हो लेकिन उसे सारे इशू पे अपना जजमेंट लिखना होगा 1 by 1। नेक्स्ट आते हैं जहाँ विधि विवादक और तथ्य विवादक दोनों एक ही बात में पैदा हुए हैं और न्यायालय की यह राय है कि मामले या उसके किसी भाग का निपटारा केवल विधि विवादक के आधार पर किया जा सकता है, वहाँ वह विवादक न्यायालय की अधिकारता और तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि द्वारा वाद के वर्जन से संबंधित है तो वह पहले उस विवादक का विचारण करेगा और इस प्रयोजन के लिए यदि वह ठीक समझे तो वह अन्य विवाद को का निपटारा तब तक के लिए मुलतवी कर देगा जब तक कि उस विवादक का अवधारण ना कर दिया गया हो और उस बात की कार्रवाई उस विवादक के मिनिस्टर के अनुसार कर सकेगा। तो ये कर सकता है कोर्ट। नेक्स्ट हम आते हैं कि रूल 3। रूल 3 कहता है कि वह सामग्री जिससे विवाद को की विरचना की जाएगी, तो कौन कौन सी सामग्री ली जाएगी, कौन कौन सी, जैसे कोई रेसिपी बनाने के लिए क्या है सामग्री ली जाती है, ऐसे ही इशू फ्रेम करने के लिए क्या है कोर्ट क्या क्या सामग्री लेगी, क्या क्या मटेरियल्स लेगी, तो इसके बारे में बात करता है रूल 3। रूल 3 कहता है कि मटेरियल्स फ्रॉम विच इशू मे बी फ्रेम्ड, न्यायालय निम्नलिखित सभी सामग्री से या उनमें से किसी भी विवाद को विवेचना कर सकेगा। The court may frame the issue from all or any of following materials. किन किन सामग्री से करेगा, पक्षकारों द्वारा या उनकी ओर से उपस्थित किन्हीं व्यक्तियों द्वारा या ऐसे पक्षकारों के प्लीडर द्वारा शपथ पर किए गए अभिकथन जिन्होंने एफिडेविट पे क्या है अपने स्टेटमेंट दिए हुए हैं पक्षकारों ने या उनके विटनेसेज ने, तो उससे क्या है इशू क्या है वो ले सकता है। नेक्स्ट आते हैं अभिवचनों या बाद में परिदत्त परिप्रश्नों के उत्तर के लिए अभिकथन, जो एलिगेशन मेड इन द प्लीडिंग्स ऑन आंसर टू इंटरोगेटरी डिलीवर्ड इन द सूट, तो उससे क्या ले सकता है वह अभिवचन, उन अभिवचनों से क्या है इशू क्या राइज हो रहे हैं उनमें, तो वो भी इशू वहां से उठा सकता है।
नेक्स्ट आते हैं कि दोनों पक्षकारों में से किसी के द्वारा पेश की गई वस्तुओं की अंतर वस्तु द कंटेंट ऑफ डॉक्यूमेंट प्रोड्यूस बाय आइदर पार्टी, जो दोनों पक्षकारों ने, दोनों पार्टियों ने जो अपने डॉक्यूमेंट्स अपने अपने डिफेंस के लिए, अपने अपने राइट्स को दिखाने के लिए लगाए हैं, तो उनकी जो अंतर वस्तु है, उनका जो कंटेंट है, उसमें से भी इश्यू फ्रेम किए जा सकते हैं। तो ये मेटीरियल्स हो गए। रूल थ्री क्या बताता है? मेटीरियल्स के बारे में आपको क्वेश्चन भी आ जाता है, ज्यूडिशरी में आ जाता है, आपके किसी भी एग्जाम या परीक्षा में ये क्वेश्चन आ सकता है। नेक्स्ट आते हैं रूल फोर। रूल फोर कहता है न्यायालय विवादकों की विवेचना करने से पहले साक्ष्यों की और दस्तावेजों की परीक्षा कर सकेगा। कोर्ट में एग्जामिन विटनेस और डॉक्यूमेंट बिफोर फ्रेमिंग इशू, जहां न्यायालय की राय है कि किसी ऐसे व्यक्ति की परीक्षा किया जाना न्यायालय के जो न्यायालय के सामने नहीं है, या किसी ऐसी दस्तावेज का निरीक्षण किया जाना, जांच की जाना जो बाद में पेश नहीं की गई है, विवादकों को ठीक ठीक विवेचित करने, यानी कि जो विवादक जो इश्यू फ्रेम करने हैं उसकी उन दस्तावेजों का निरीक्षण करने से पहले या उन विटनेसेस की क्या है जांच परीक्षा करने से पहले वो इश्यू डिसाइड नहीं हो सकते। वहां विवादकों की विरचना किसी ऐसे दिन के लिए स्थगित कर सकेगा जो 7 दिन के पश्चात का ना हो, और तत्समय प्रवत किसी विधि के अधीन रहते हुए संबंध या अन्य आदेशिका द्वारा विवश करके और किसी व्यक्ति की हाजिरी करा सकेगा, और उस व्यक्ति द्वारा किसी दस्तावेज को पेश कर सकेगा जिसके कब्जे या शक्ति में वह दस्तावेज है। तो इस तरीके का ऑर्डर कर सकता है कि आप क्या है डॉक्यूमेंट्स कोर्ट में दिखाएं या जो विटनेसेज है उनकी परीक्षा कराएं। नेक्स्ट आते हैं रूल फाइव। रूल फाइव कहता है विवादकों का संशोधन उसे काट देने की शक्ति, पावर टू अमेंड एंड स्ट्रिक आउट इश्यू, यानी कि न्यायालय डिग्री पारित करने से पूर्व किसी भी समय ऐसे निबंधनों, ऐसे शर्तों पर जो वह ठीक समझे विवादकों में संशोधन कर सकेगा, अमेंडमेंट कर सकेगा, और अतिरिक्त विवादकों की विवेचना कर सकेगा या कोई अदर इश्यू फ्रेम कर सकेगा, और सभी ऐसे संशोधनों अतिरिक्त विवाद जो पक्षकारों के बीच विवादग्रस्त बातों की अवधारणा के लिए आवश्यक हो इस प्रकार संशोधित किए जाएंगे और विचित किए जाएंगे। सब रूल टू कहता है रूल फाइव का कि न्यायालय डिक्री पारित करने से पूर्व किसी भी समय किन्हीं विवादकों को काट सकेगा, यानी कि उनको उस केस से हटा सकेगा जो इशू फ्रेम किए हैं, लेकिन डिक्री पारित करने से पूर्व, और जिसके बारे में यह प्रतीत होता है कि वह गलत और तौर पर विचरित या पुनर्स्थापित किए गए हैं, कि वह गलत तरीके से क्या है या पुनर्स्थापित किए गए हैं। नेक्स्ट आते हैं रूल सिक्स। टोटल इसमें जो रूल है वो रूल सेवन तक है। तो रूल सिक्स कहता है तथ्य के या विधि के प्रश्न करार द्वारा विवादकों के रूप में कथित किए जा सकेंगे। क्वेश्चन ऑफ फैक्ट एंड लॉ में भी एग्रीमेंट वी स्टेट इन फॉर्म ऑफ इशू, जहां बात के पक्षकार तथ्य के या किसी विधि के ऐसे प्रश्न के बारे में रजामंद हो गए हैं जो उनके बीच निश्चित किया जाना है, वहां वे उसका विवादक के रूप में कथन कर सकेंगे और लिखित कथन रूप से यह करार कर सकेंगे कि ऐसे विवादक पर न्यायालय के सकारात्मक या नकारात्मक निष्कर्ष पर ऐसी धनराशि जो करार में विनिर्दिष्ट है न्यायालय द्वारा या ऐसी रीति से जो न्यायालय निर्देश करे अविनिश्चित की जानी है पक्षकारों में से एक द्वारा उनमें से दूसरे को संदत की जाएगी, और उनमें से एक पक्षकार ऐसे किसी अधिकार का हकदार या ऐसे किसी दायित्व के अधीन घोषित किया जाएगा जो करार में निर्दिष्ट है। नेक्स्ट कहता है कि कोई संपत्ति जो करार में निर्दिष्ट है बाद में विवादग्रस्त है, पक्षकारों में से एक द्वारा उसमें से दूसरे को या ऐसे परिणत की जाएगी जैसे कि वह दूसरा निर्देश करे। नेक्स्ट कहता है कि पक्षकारों में से एक या अधिक पक्षकार करार में निर्दिष्ट या विवादग्रस्त से संबंधित कोई विशिष्ट कार्य करेंगे या करने से विरत रहेंगे। तो इस तरीके से बताया गया है रूल सिक्स में। नेक्स्ट आते हैं लास्ट रूल, रूल सेवन।
ऑर्डर 14 का रूल 7 कहता है कि यदि न्यायालय का यह समाधान हो जाता है कि करार का निष्पादन सद्भावना पूर्वक किया हुआ था तो वह निर्णय सुना सकेगा। जहां न्यायालय को ऐसी जांच करने के पश्चात जो वह उच्च समझे यह समाधान हो जाता है कि करार पक्षकारों द्वारा सम्यक रूप से निष्पादित किया गया था, पूर्वक प्रश्न के निश्चय में यह सार्वान्वित है और वह इस योग्य है कि उसका विचारण और निश्चय किया जाए, वहां वह उस विवादक को अभिलिखित करने उसका विचारण करने के लिए अग्रसर होगा और उस पर अपने निष्कर्ष या निश्चय का उसी रीति से कथन करेगा मानो उस विवादक की विवेचना न्यायालय द्वारा की गई हो और ऐसे विवादक के निष्कर्ष और निश्चय के आधार पर वह करार के निबंधनों शर्तों के अनुसार निर्णय सुनाएगा और इस प्रकार सुनाए गए निर्णय के अनुसरण में डिक्री होगी। तो ये हो गया आपका रूल 14 कंप्लीट। नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी रूल 15। फ्रेंड्स अगर चैनल पे नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल फॉर मोर वीडियोज़।